बेस फिल्म है और इसका ज्यादा करके बेस होता है महाभारत बेस, जो महाभारत की स्टोरी है बस उस तरीके से इसको शूट किया गया है और काफी अच्छी मूवी है, लेकिन थोड़ी हटके हटके मतलब कुछ और कल्चर दिखाया हुआ है जो महाभारत में था, सर्च शूट का सारा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारी स्टोरी है, तो ये लोग यहाँ पे आने वाले, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कुछ पूछना है तो आप अपने तरीके से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं तो हुई एक दो चीजें पूछने के लिए। फिर आपको लगता है सभी लोगों का तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय निकाला, और सभी लोग जो मीडिया से यहाँ पे आए सही में थैंक्स कहना चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से, क्रीना की पूरी टीम की तरफ से। लेकिन मैं चाहूंगा आपको इंट्रोड्यूस करवाना हमारे जो यहाँ पे स्टार कास्ट आए हुए, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर सर और हरविंदर सर जी के लिए, चौहान जी के लिए एक बार जोरदार करें, क्योंकि इन्होंने बिरा उठाया है कुछ अलग करने का, कुछ अलग प्रेजेंट करने का, लोगों तक पहुंचाने का। प्लीज, इनकी उम्र सिर्फ 13 है लेकिन लगते नहीं, अभी ये काफी बड़े होने जा रहे हैं और इनके फ्यूचर ब्राइट तो है ही। तो प्लीज मिलिए हमारे जो लीड एक्टर हैं उनसे, पार्थ जी से, एंड जिनको हम बचपन से देखते आ रहे, पसंद करते आ रहे, जिनको फॉलो करते आ रहे, तो प्लीज एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने चावल जी के लिए प्लीज। एंड जिनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है कि काफी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, अगर मेरे भाई वैसे होते तो अच्छा लगता, लेकिन हमेशा विलन के रूप में ही हमारे सामने आए, लेकिन आज इनको साक्षर क्या देख के अच्छा लग रहा है, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। सिर्फ विलन के रूप में आपने देखा वैसे सभी रोल में आप हमें काफी अच्छे लगते हो, मतलब सारी टीम अच्छे लग रही है, काफी खूबसूरत यहाँ पे लग रहे हैं। तो प्लीज सर मैं कुछ चाहूंगा कि आप कुछ चीजें शेयर करें हमारे मीडिया पार्टनर से आगे आए हुए, और सूरत का ये जो बेस है ना सर, काफी जबरदस्त टैलेंटेड लोग यहाँ पे एक साथ में जुड़े हुए हैं, तो आज ये चाहते कि क्रीना के बारे में कुछ जानना और किस तरीके से आगे जाना है। थोड़ी मतलब बाहुबली जॉनर की फिल्म है और इस फिल्म में भी कुछ अलग करने का प्रयास किया है हमारे चौहान साहब। फिल्म महाभारत से इंस्पायर्ड है, क्रीना कृष्णा का एक अंश है और ये 13 साल का बच्चा है पार्थ सिंह चौहान, जिसने वो टाइटल रोल किया है। मतलब मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 साल का हीरो आया, कार्टून में बच्चों की उसमें आता है फिल्मों में पार्ट में छोटा भी हो गया, लेकिन ये जो है रियल लाइफ में सेलुलॉइड में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा ही हीरो आया है। मैं उसमें विलन बना हूँ और दीक्षिका जी हीरो की माँ बनी है, इंदर पिता बने, इंदर हमारे बीच नहीं है, सुधा चंद्रन भी है, सुदेश बैरी भी है, तो सारी स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शूट हुई फिल्म है और डिफरेंट फिल्म है। रूरल एम्बियंस की फिल्म है, रूरल एटमोसफियर की पिक्चर है, गुजरात में रूरल फिल्में काफी चलती है और चलती थी, तो इसलिए ये चाहते हैं कि इस फिल्म को भी गुजरात में वैसी ही सफलता मिले और जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारी फिल्म देखें और इसको पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने के लिए कहें, और खूबसूरत का नया नाम खूबसूरत और खूबसूरत सिटी। सर थैंक यू इसके लिए, क्योंकि हम सही में शूट हुआ और रेल बेसिकली जो मुंबई आते हैं और एटमॉस्फेयर चीज है वहाँ है और फिल्म सिटी में भी हुआ है। बात सर आपसे जानना चाहिए कि आपका पूरा जो एक्सपीरियंस है ये मूवी को लेकर किस तरीके से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पहले मुझे लगता था कि सब कुछ बहुत आसान होगा करना, लैपटॉप करना वहाँ पे लगे कैमरा फेस करना बहुत आसान होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट फिर जब बहुत लोगों के सामने इतनी क्राउड के सामने किया कैमरा फेस किया तो लगा कि हाँ ठीक है आसान नहीं है इतना, और जितने भी बड़े बड़े एक्ट्रेस थे शहबाज भाई हैं और इंद्र कुमार जी थे, भूपेश भरे जी थे सबसे, और दीपशिका जी थी, सबसे मैंने सीखा कि कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कैसे मतलब बोलना है, किस किस टाइम में बोलना है। क्रीना का मतलब क्या होता है? टाइटल दिया क्रीना तो कृष्णा का दूसरा था, और जो कहानी है मतलब इसमें सच्ची कहानी है कि बहुत से अभी सीरियल भी आ रहे हैं जो मूल कहानी रहती है उसको तोड़ मोड़ के रोमांचक बनाने के लिए फिक्शन लाइफ है, सिर्फ महाभारत से इंस्पायर्ड,
क्रीना इज कृष्णा, कृष्णा का अवतार है, बैकड्रॉप है हमारा आदिवासी कारीगर, टीम वही है और मेरा जो कैरेक्टर है आप समझ लीजिए देवकी वासुदेवता का, मैं देवकी हूँ और इंद्र कुमार जो मेरे हस्बैंड ठीक करे वासुदेव है और एक तरीके से कबीले के सरदार है जो नेगेटिव है उनको पता है कि बच्चा मेरा अंत करेगा तो वो सारे बच्चों को मार देता हूँ। अरे कैसे क्रीना सिर्फ वो 13 साल का बच्चा है और कैसे वो कबीले को बचाता है और कैसे अपने माँ बाप को बचाता है, इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग विद लॉट ऑफ मैसेज। तो ये हमने कंटेंट से नहीं किया, बेसिक जो हमारा रूरल है वो ही है और सुपर बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स भी है इस फिल्म में और ये हमारे प्रोड्यूसर जो है चौहान जी इनको ये स्टोरी अच्छी लगी तो जब ये हमारे मेरे पास आए तो उनका उनका ड्रीम था कि मुझे इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना है तो आई एक्सेप्टेड बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल रोल, वेरी पॉजिटिव रोल एंड हम सब एक्टरों ने मतलब एक नए प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते थे हमने किया, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है तो बस यही सूरत और हर स्थिति में हम प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, हमने मेहनत की है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए मीडिया का और ऑडियंस का ताकि ये पिक्चर अच्छी चले और हमारे प्रोड्यूसर जो वहाँ की और फिल्म बनाए आर्ट को भी एक मॉरल सपोर्ट मिले कि उसकी फिल्म अच्छी चले तो हो गया। चौहान सर आप कुछ शेयर करना चाहिए? ये मेरी फर्स्ट मूवी है और हमारी फिल्म की कहानी है अलग प्रॉब्लम है और जिस तरीका से एक महाभारत में श्री कृष्ण में आपने कृष्ण को देखा है एक कृष्ण को अवतार रूप में दिखाया है जो बेहतर कहानी बनी है बेहतर चल के काम किया है तो मैं यही कहूँगा जिस तरीका से बड़े कार्यक्रम की मूवी को देखने लगे बड़े स्टार में मूवी में और इसमें फर्क हुआ फर्स्ट शेड्यूल हमारा 38 डेज का कितने दिन में कंप्लीट हुई सर समथिंग आप मानिए 15 डेज में निना बनके तैयार हो चुके डेज में रेडी हो चुके थे तो और कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए क्योंकि हम लोग को डेफिनेटली जाने वाले थे लेकिन जो एक्साइटमेंट है जो एक्साइटमेंट तो सहवाज सर का जो काम है एक राजा दिखाए कभी लेके वहाँ पर पानी की काफी दिक्कतें हैं कई सालों से बरसात नहीं हुई है एक टैक्स लगता है उस पानी के ऊपर तो पानी की कमी को किस तरीका से समाज को अगर पानी की कमी होगी तो कैसे कैसे सुविधाएं झेलनी पड़ती हैं वो सारी चीजें एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए वाटर का हमारी थैंक यू सर इतनी गंभीर समस्या को लगे आप इतना मतलब फोकस कर रहे हैं इसके लिए काफी अच्छा लगा लेकिन आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहता है और मूवी के बारे में उसका शूटिंग कहाँ है पनवेल सर मुंबई से आया जो पनवेल है वहाँ पे शूट हुआ था पनवेल सर्वे फार्म में बिकॉज उनको जंगल ट्राइबल बैकग्राउंड सिखाना था एंड उस टाइम पे 45 डिग्री टेम्परेचर था और उसमें बिकॉज आदिवासी का रोल है हम सब डेड फील होते थे और हमारे हीरो को तो बहुत ही भागना पड़ा है बिना चप्पल पहने कांटों में मतलब तो 13 साल का बच्चा है बेचारा एंड ही वर्क रियली हार्ड और एक इंसिडेंट है जो पार्थ शेयर करेंगे मुझे भी अभी पता चला है कि पार्थ को डायरेक्टर ने कहा कि अभी सारे कांटे वाटे हम उसके ऊपर भागिए तो उसने बोला मैं नहीं भागूंगा डायरेक्टर को बोला सर आप भागिए डायरेक्टर ने मना कर दिया कैमरा मैन ने उसे कन्विंस किया कैमरा मैन ने भी मना कर दिया तो चौहान साहब देख रहे थे कि कब से ये प्रॉब्लम चल रही है तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है इस पार्ट ने बोला इन लोग मुझे बोल रहे हैं यहाँ पे भागने के लिए तो उसने डैडी को बोला डैडी ने बोला तो भाग लो तो उसने डैडी को बोला तो आप भाग लो पहले फिर मैं भागता तो चौहान साहब ने उन्होंने खुद भागे बहन की उसके बाद पार्ट ने वो सीन किया तो आई मीन टू से हैट्स ऑफ टू दैट फादर जो अपने बेटे के लिए पिक्चर तो बनाई बट इस लेवल तक गया ना वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरी इज्जत उनके लिए बढ़ गई है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड बात इज वेरी लकी टू आवर फादर लाइक दिस
बात सर, मैंने जैसे कहा तो मैं कुछ पूछना चाहूंगा, ये आपने जानबूझ के किया है या फिर आपको डर था ही कि कुछ होगा भी? डर था ही मुझे, मतलब कांटे दिख ही रहे थे सर पहले जाते हुए, क्योंकि मैं पहले इवेंट सीट करने भाग लिया और उधर उतरे नहीं थे, बट वो उसकी जो जमीन थी ना बहुत ज्यादा टफ थी। ओके, इतना हिट था वाकई। जो दही बनाएंगे सरदार सब तो लेदर के।